राजस्थान में जीत पर वसुंधरा राजे का भी बयान सामने आया है। पीएम मोदी के मंत्र से मिली है जीत, ये उनकी तरफ से कहा गया है। मोदी की गारंटी से राजस्थान फतह किया गया है, कार्यकर्ताओं को जीत समर्पित की है वसुंधरा राजे सिंधिया ने। राजस्थान की ये जो शानदार जीत है, ये माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनका मंत्र था ये सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये उसकी जीत है, उनकी दी हुई गारंटी की जीत है। ये जीत हमारे कार्यकर्ताओं की, जिनके अथक प्रयास परिश्रम की जीत है। उन्होंने दिन और रात हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के जो सपने को साकार करने की पूरी कोशिश करते हुए उस दिशा में मेहनत करके ये परिणाम दिलाने का काम किया है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये जीत हमारे जनता जनार्दन की है, जिसने कांग्रेस के कुराज को नकारते हुए और भारतीय जनता पार्टी के सुराज को अपनाने का काम किया है। और ये जीत 2024 में मोदी जी को फिर से देशवासियों की सेवा का अवसर देने की जीत। जिस राजस्थान में कहा जा रहा था कि कांटे का मुकाबला देखने को मिलेगा, वहां पर देखिए कितनी बड़ी जीत बीजेपी को मिली है। इस बीच उस राज्य की बात कर लेते हैं जिसमें यह कहा जा रहा था कि कांग्रेस लगातार अपने दबदबे को कायम करेगी, लेकिन खबर ये कि TV9 भारतवर्ष से बोले हैं रमन सिंह, विधायक तय करेंगे सीएम पर फैसला और साथ ही साथ आला कमान तय करेगा कि सीएम पर फैसला क्या होगा। आपने भी उम्मीद की थी कुछ इसी तरह की, क्योंकि छत्तीसगढ़ को लेकर 6 महीने पहले तक ये कहा जा रहा था कि बघेल सरकार रिपीट हो सकती, बीजेपी के लिए बहुत टफ फाइट होगा, लेकिन अब स्थिति पूरी बदली हुई है, ठीक उसी तरह जैसे 2018 में बदली थी। स्पष्ट था और मैं तो पिछले लंबे समय से बोल रहा हूँ कि ये सरकार जाने वाली है अपने भ्रष्टाचार पे, आतंक और भय जिस प्रकार छत्तीसगढ़ में छाया हुआ था, भ्रष्टाचार के मुद्दे और जो परिस्थितियां छत्तीसगढ़ में निर्मित भूपेश बघेल ने की, छत्तीसगढ़ की जनता ने उसको रिजेक्ट किया, चाहे PSC का घोटाला हो, शराब घोटाला हो, या फिर महादेव ऐप के मामले में घोटाले हो, या छत्तीसगढ़ को जो जन घोषणा पत्र में वादे किए थे वो अधूरे रह गए, उन अधूरे घोषणा पत्र को लेकर जनता के मन में आक्रोश था। ऐसी कौन सी प्रमुख बातें रही जो बीजेपी के हक में गई? क्या जिस तरह से एक प्रेडिक्शन ये भी है कि सेकेंड फेज पर बीजेपी ने पूरी तरह से लीड किया, ये प्रेडिक्शन सही है या फिर दोनों फेज में बीजेपी ने लीड किया? जो रुझान आ रहे हैं उससे आपको जानकारी तो मिल रही होगी। रुझान बीजेपी के पक्ष में और वोटों का परसेंटेज 4% बढ़ता हुआ दिख रहा है, और जो एग्जिट पोल भी दिखा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रुझान है और कांग्रेस नीचे जा रही है, और यहाँ तक हमने 3 रोज पहले ही कहा था कि 55 सीट बीजेपी की आएगी और 35 में कांग्रेस सीट। तो बीजेपी की इस जीत को अनप्रेसिडेंटेड जीत माना जा रहा था। इस बीच बता दें छत्तीसगढ़ में जीत के बाद बीजेपी दफ्तर पर जोरदार जश्न मनाया जा रहा है, जश्न का माहौल दिखा रहे हैं संवाददाता राजीव सिंह। छत्तीसगढ़ में बड़ी जीत की तरफ बढ़ रही बीजेपी के कार्यकर्ता उत्साहित हैं, प्रदेश कार्यालय के बाहर नाच गाना चल रहा है, बैंड बजा रहा है, तस्वीरें आपको दिखाते हैं, आप देखिए तमाम कार्यकर्ता यहां पर डांस कर रहे हैं, नाच गा रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। आप देखिए यहां पर जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं, किस तरह से बीजेपी कार्यकर्ताओं के अंदर जो है वो उत्साह है। फिलहाल यहां पर आप देखिए ढोल ताशे नगाड़े भी बजाए जा रहे हैं, तमाम कार्यकर्ता यहां पर ढोल ताशे नगाड़े जो है वो बजा रहे हैं, और इन कार्यकर्ताओं को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं में जो यहां पर उत्साह है, जोश है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता जो इस बात से गुस्सा की पार्टी बेहतर प्रदर्शन नहीं कर रही है बल्कि एक बड़े अंतर के साथ में जीत हासिल कर रहे हैं, और यही वजह है कि यहां पर तमाम कार्यकर्ता नाच रहे हैं। किस तरह का जोश है, बहुत ज्यादा जोश है, सभी युवाओं ने, माताओं ने, बहनों ने छत्तीसगढ़ को बदलने के लिए, बचाने के लिए वोट किया है। यहाँ पे मोदी की गारंटी काम आई है, जो अचानक से महिलाओं के लिए जो उन्होंने मूलभूत सुविधाओं का ऑफर दिया, और जहाँ तक मोदी की गारंटी सबसे बड़ी गारंटी है। बिल्कुल यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर मोदी की फोटो लगा हुआ है, जैकेट पहन कर क्या कहेंगे, किस तरह का जोश है, किस तरह से सेलिब्रेट।